मंत्री जी का इस संस्थान में स्वागत करता हूं और ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव हमको लग रहा है क्योंकि इस संस्थान को 50 वर्ष हो गए और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सीएसआई के वाइस प्रेसिडेंट हमारे बीच हैं, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर कि आप हमारे बीच आए। न केवल ये क्योंकि हमारी स्वर्ण जयंती इस वर्ष मनाई जा रही है, तो ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और उल्लास का विषय है कि आप हमारे बीच आके हमको इतना उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहाँ तक आने से पूर्व माननीय मंत्री जी ने हमारी मुख्य बिल्डिंग का नाम विश्व ज्ञान भवन नामित किया है आज से, और एक बहुत ही एडवांस्ड इमेजिंग फैसिलिटी जो कि नैनो टॉक्सिकोलॉजी के लिए सीएसआईआर ने यहाँ बनवाई थी, और हिंदुस्तान में न केवल हिंदुस्तान में विश्व में एक यूनिक फैसिलिटी है टॉक्सिकोलॉजी के लिए, उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया और सारे वैज्ञानिकों को इन्होंने एक मार्गदर्शन दिया और हमको कहा कि किस तरह से हम सोसाइटी के लिए और आगे बढ़ के काम करें। मैं इस उपलक्ष्य में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, आज सीएसआईआर के वाइस प्रेसिडेंट और माननीय मंत्री जी ने अपने मन की बात हम लोग के समक्ष रखी है, और मैं सिर्फ आप सबके बिहाफ पे मंत्री जी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि सीएसआईआर आईटीआर जो कि हमेशा से एक ट्रांसलेशन इंस्टीट्यूट रहा है, अपने आप को और सोसाइटल रेलेवेंस की ओर ले जाने की चेष्टा करें। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर आलोक ठाकुर, इस आज के कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से गरिमा प्रदान कर रहे वरिष्ठ डॉक्टर धवन एंड डॉक्टर नित्यानंद, डॉक्टर सेठ और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी के रूप में रिटायर हुए, और मेरा उनके साथ विशेष संबंध है, वो मेरे मेडिकल कॉलेज के कुलीग रहे हैं, बैचमेट रहे हैं, और बैचमेट से भी ज़्यादा मेरे कैडर के ऊपर मेरे कैडर पार्टनर भी रहे हैं, बहुत बहुत जानते नहीं होते ऐसे डॉक्टर हर्षल अंदाज जी, वो पीडियाट्रिशियन हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन पिछले पूरा जीवन उनका आईएएस में गुजरा है, पिछले लगभग 3 साल अभी रिटायर हुए हैं, और संस्थान के सभी वरिष्ठ वैज्ञानिक, सभी रिसर्चकर्स, स्टूडेंट्स, सभी कर्मचारी, दूसरे साथी छो सकता है शायद मीडिया के मित्र भी हों या दोस्तों, मुझे लगता है कि आप भी काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, कितने बजे बताया, कितने बजे बताया, 4:30 बजे बताया है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया कि आपको एक देर से इंतजार करा रहे हैं, तो मैं ऊपर काफ़ी देर से आपके वैज्ञानिकों के साथ बातचीत कर रहा था, उसके बाद मीडिया के साथ बातचीत करने में काफ़ी समय बीता, तो काफ़ी सारी बातचीत तो मेरे ख्याल से पिछले 3 घंटे से हो चुकी है, और अपने विचारों को भी मैंने सभी लोगों के साथ शेयर किया है। मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार की गंभीरता और गहराई से सीएसआईआर की लेबोरेटरीज में काम होता है, उसके लिए निश्चित रूप से आप सब अभिनंदन के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। सीएसआईआर के बारे में मैंने
बहुत बार कहा कि ये एक असाधारण इंस्टीट्यूशन है। दुनिया के अंदर 4000 शायद 887 इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो पहली 100 इंस्टीट्यूशंस की जो रैंकिंग हुई हुई है इस तरह की, उसमें भारत के अंदर केवल एक इंस्टीट्यूशन है जो शायद 84वें नंबर पर है, उसका नाम CSIR है। और बहुत सारे चीज़ों के अंदर वो इम्पैक्ट फैक्टर्स हो, पेपर्स की पब्लिकेशन हो, उन सब स्टैटिस्टिक्स में मैं नहीं जाता है। हम दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा ऊँचा करके खड़े हो सकते हैं जहाँ तक CSIR का प्रश्न है। CSIR के लेबॉरटरीज को मुझे देखने का, समझने का, वहाँ जाने का बात है। वो इस देश के लोगों की एक प्रकार से आत्मा के साथ जुड़े हुए व्यक्तित्व है। और दूसरी पार्टी का भी होगा तो भी वो अटल जी के लिए मन में हृदय में सम्मान रखता है। अब लखनऊ के लोगों आप लोगों को मुझे कुछ बताने की जरूरत थी उनके बारे में। और वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आपके विज्ञान को पहली बार भारत में विशेष पेडेस्टल पर लाकर बैठाया, जिन्होंने पहली बार, आप जानते हैं कि वो 5 मई 1998 में प्रधानमंत्री बने थे और 11 मई 1998 को उन्होंने क्या कर दिखाया, साइंस के माध्यम से भारत को कहाँ पहुँचा दिया था शिखर पर। वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विज्ञान का महत्व जो है उसको पहली बार देश में अंडरलाइन करके हाईलाइट किया। और जब उन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान खाली पर्याप्त नहीं, इसके साथ जय विज्ञान भी होना चाहिए, तो ऐसे प्रधानमंत्री की लीडरशिप को श्री नरेंद्र मोदी एंजॉय करते हैं। और उनको देश के लोगों पर, देश के लोगों में आप सब विशेषकर वैज्ञानिकों के ऊपर, प्रोफेशनल्स के ऊपर, और उसके साथ साथ जो नौजवान लोग हैं उस पीढ़ी के ऊपर अत्यधिक विश्वास है, अत्यधिक उसके ऊपर वो सोचते हैं कि ये सब लोग अपना हार्ट एंड सोल लगाकर इस देश के बारे में दोबारा से सोचें, इस देश के बारे में काम करें, इस देश के बारे में नए नए आइडियाज़ को विकसित करें, इस देश के बारे में नए नए सपने पैदा करें, नए नए जज्बे के साथ काम करें, नई प्रकार की एक ऊर्जा के साथ काम करें, तो इन लोगों की मदद से इस देश का उद्धार हो सकता है। और देश का भी उद्धार के अंदर जो सबसे ज़्यादा उनका फोकस है कि जो लोग देश के अंदर पिछले 60-70 साल से पिछड़ गए हैं, गरीब लोग हैं, इंसान के रूप में जन्म ले पाना, साइंटिस्ट बन पाना, ये है प्रिविलेज। लेकिन इंसान और वास्तव में असली साइंटिस्ट बन जा पाना, ये है हम सबके लिए चुनौती। और इस चुनौती का सामना हम कैसे करें, इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि इस 50वें साल में आप सब लोग एक नई ऊर्जा के साथ, एक नया सात्विक चिंतन उसकी प्रक्रिया प्रारंभ करिए। जिस लेबॉरेटरी में काम करते हो उस पर काम करने वाले 10 लोग मिलकर करें, जिस ब्लॉक में काम करते हो उस ब्लॉक में काम करने वाले 50 लोग कभी कभी मिल के बात करें, कभी कभी डायरेक्टर साहब इसी तरीके से लोगों के साथ सुबह से शाम तक बैठें और उनको बोले भाई कोई एजेंडा नहीं है, आज एजेंडा केवल इतना है कि हम सब मिलकर कौन कौन से ऐसे काम कर सकते हैं जिससे इस संस्था का तो काम हो ही होगा लेकिन हम भारत का जो है कोई असाधारण कल्याण कर सकते हैं। तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ जिस दिन आप पहले दिन ये करेंगे और अगर आप 2 घंटा भी करेंगे तो यही जो आपके लोग यहाँ बैठे हुए हैं इनमें से अनेकों लोगों के मुँह से आपको ऐसे ऐसे विचार मिलेंगे कि आप खुद के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये काम मैंने पहले क्यों नहीं किया, इतने दिन मैंने इतने साल क्यों खराब कर दिए,
और उन्हीं विचारों में से कोई कुछ विचारों को पकड़ लीजिए, कुछ अच्छे आइडियाज को पकड़ लीजिए और वो आइडिया जो है वो सब लोगों का संकल्प बन जाए और फिर वो सब लोग जब मिलकर काम करें तो फिर उसके अंदर से जो आपको आनंद आएगा उसका कोई मैं समझता हूँ डिस्क्रिप्शन संभव नहीं है। तो आपको सबको अपनी ढेर सारी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और सबसे ये विनम्र में प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बिना मकसद वाला जीवन मत जीए। जीवन का कोई मकसद तय करिए, जीवन के लिए कोई एक सपना विकसित करिए, मिनिमम एक वो आपके काम के अंदर हो सकता है, वो आपकी लेबोरेटरी में हो सकता है, वो आपके सामाजिक जीवन में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वैज्ञानिक का सपना जो है वो लेबोरेटरी के अंदर ही हो सकता है, समाज के अंदर भी कोई बड़ा काम करने का सपना हो सकता है और उस सपने को साकार करने के लिए जीना शुरू करें। मैं अपने केवल तजुर्बे से थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ, दो मिनट को शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि उसमें से आपको सपने को जन्म देने की व्यवस्था पैदा करने की ऊर्जा शायद महसूस होगी। मुझे भगवान की ये कृपा रही कि मुझे बाय एन एक्सीडेंट एक सपना पैदा करने का मौका मिला।